वीडियो में हम देखेंगे डिजाइन ऑप्शन क्या होते हैं, डिजाइन ऑप्शन का हम कैसे यूज करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को, लेआउट को हम कैसे दो तीन अलग अलग ऑप्शंस में हम कैसे किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे मैं आपको वो तरीका बताऊंगा। तो मैं कोई प्रोजेक्ट लेकर नहीं बताऊंगा, मैं आपको बस वो तरीका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। हम रैबिट 2024 में ही इसको देखेंगे। तो चलिए हम एक आर्किटेक्ट टेम्पलेट लेते हैं। तो डिजाइन ऑप्शन जो होता है हमारा, वो हमारा ड्रॉप डाउन जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसके इंटरफेस के ड्रॉप डाउन में ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आएगा हमारे पास डिजाइन ऑप्शन। तो ये हमारा मेन मॉडल होता है जो अभी रिप्रेजेंट करता है। तो हम ऑप्शन सेट से पहले एक ऑप्शन सेट ले सकते हैं, ऑप्शन 1। उसके बाद हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, तीन ऑप्शन ले लेते हैं हम अभी। इसको हम क्लोज करते हैं। उसके बाद मेन मॉडल से हम चलते हैं ऑप्शन 1 पे। ये हम ऑप्शन 1 पे आ गए। यहाँ पे हम कोई भी एक, मान लीजिए कोई भी एक शेप बना लेते हैं। मैं बना लेता हूँ ये, ऐसे यहाँ से बना लेता हूँ, ठीक है। अब इसको क्या करता हूँ, मैं टैग कर देता हूँ रूम, इसका नाम रख देता हूँ रूम 1। अब जो भी है, मतलब इसमें सेम नेम भी रूम के रख सकते हैं, हर ऑप्शन में अलग अलग भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये हमारा ऑप्शन बन गया। चाहे तो हम यहाँ से इसका रूम सिलेक्ट किया, चाहे तो हम इसका रूम का कलर डाल दें। जैसे हम जाएंगे कलर स्कीमा पे और यहाँ से रूम क्लिक करेंगे, बाय रूम नंबर, रूम डिपार्टमेंट, बाय रूम नंबर ले लेते हैं, ओके करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास इसका कलर। तो अब चलते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन 2 पे क्लिक किया। ऑप्शन 2 पे हम क्या करते हैं, ऑप्शन 1 का जो हमारा आउटर वॉल है हम इसी को लेते हैं, इसके बीच में हम डिवाइड कर देंगे। तो हमने आउटर वॉल लिया ऑप्शन 1 का, कॉपी किया, गए ऑप्शन 2 पे और मॉडिफाई में आके पेस्ट एट सेम प्लेस पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारा ऑप्शन 2 पे आ गया। अब हम वॉल लेते हैं दोबारा और इसको हम बीच से सेपरेट कर देते हैं। ये हमारा मान लीजिए ऑप्शन 2 पे है। यहाँ भी हम चाहें तो ये रूम टैग लगा देते हैं, नाम नहीं डालते हैं, नाम बाद में डाल देंगे। वैसे ऑलरेडी हमारे पास 2, 3 ऑप्शन 24 वर्जन में आ रहा है। तो ये हमने ले लिया। अब दोबारा से हम ये आउटर लेते हैं और इस बार हम वर्टिकली डिवाइड कर देंगे ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 3 में गए और मॉडिफाई पे गए, पेस्ट सेम प्लेस, फिर से बॉल लेते हैं और हम इसको वर्टिकली डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमने वर्टिकली डिवाइड कर दिया, दोबारा से रूम टैग मार्क कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा अलग अलग ऑप्शन में हमने एक लेआउट को रिप्रेजेंट किया है। एक सिंगल रूम में ऑप्शन 2 में हमने हॉरिजॉन्टली सेपरेट किया, ऑप्शन 3 में वर्टिकली सेपरेट किया। तो ये ऐसे हम ये इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इसको एक शीट पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम लेवल 0 पे हैं। लेवल 0, अब हमारे 3 लेवल है, 3 ऑप्शन से लेवल 0 के। तो अब लेवल 0 के 3 ऑप्शन कैसे शो करेंगे, तो क्या करेंगे, लेवल 0 पर चलेंगे, डुप्लीकेट विद डिटेलिंग करेंगे, एक बार और करेंगे डुप्लीकेट विद डिटेलिंग। हमारे पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन। अब यहाँ जैसे हम लेवल अब आप देखिए, पहले लेवल 0 पर आए, ऑप्शन 3 है, हमने ऑप्शन 1 कर दिया। अब वही हम लेवल 2 पर आए तो ऑप्शन 2 कर दिया। बट अब चलते हैं, दोनों हमने चेंज कर दिया तो दोनों चेंज होना चाहिए, चलते हैं देखते हैं, बट ऐसा नहीं हो रहा। तो ये कैसे होगा, तो हम चलते हैं पहले, हमारे पास मान लीजिए 3 है, पर लेवल 0 पर चलते हैं। ये हम लेवल 0 पर आ गए। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन 2 नहीं दिखाना, हमें ऑप्शन 1 दिखाना है, ये तो दिखाना है हमें। बट हम जैसे किसी तीसरे में चेंज करेंगे या दूसरे में चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक तीनों में चेंज हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, चले वीजी क्लिक करेंगे, डिजाइन ऑप्शंस पे आएंगे और यहाँ से ऑटोमेटिक के जगह हम, जैसे हम लेवल 0 पे ऑप्शन 1 शो करना चाहते हैं फर्स्ट पार्ट पे लेवल के, तो हम यहाँ पे ऑप्शन 1 पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें ये ऑप्शन 1 ही शो होगा। अब जैसे हमने दूसरा कॉपी किया था,
तो इस पे जाके हम यहाँ ऑप्शन टू शो करना चाहते हैं, तो इस पे करेंगे क्लिक। फिर से वीजी पे जाएंगे, डिजाइन ऑप्शन पे जाएंगे, ऑटोमेटिक से ऑप्शन टू पे क्लिक करेंगे। तो अब देख सकते हैं, अब दोबारा हम चलते हैं लेवल जीरो पे। हाँ, यहाँ पहले हमें मेन मॉडल करना पड़ेगा, तो हमने मेन मॉडल कर दिया। अब चलते हैं लेवल जीरो पे, अभी गलती हो गई थी मेरे से। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें ऑप्शन वन पे, ऑप्शन वन दिख रहा है हमारे लेवल जीरो पे, इस पे चलेंगे। अभी ऑप्शन टू दिख रहा है, अब इस पे हमें वही दिख रहा है ऑप्शन वन। यहाँ हमें ऑप्शन थ्री शो करना है, तो यहाँ पे वीजी पे चलेंगे, वही डिजाइन ऑप्शन, और यहाँ से हम ऑप्शन थ्री कर देंगे। यहाँ से हमें मेन मॉडल करना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम वीजी में जाके डिजाइन ऑप्शन में जाके जिस ऑप्शन को हमें शो करना है हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, तो वो हमें यहाँ पे शो होगा। तो ये ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर इसको आप शीट पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप सेम प्रोसेस 3D के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3D के तीन डुप्लीकेट करेंगे, उसके बाद यही प्रोसेस इस्तेमाल करके आप 3D के भी कर सकते हैं। यहाँ से मेन मॉडल करके अब 3D का भी वही सेम प्रोसेस कर सकते हैं, और इसको शीट पे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा डिजाइन ऑप्शंस होता है, जिसका यूज़ हम रैबिट में करके किसी भी एक प्लेन को दो तीन ऑप्शंस में शो करते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर।